हिंदू राष्ट्र आप बनाओ, बन भी गया है, मनुस्मृति लागू भी हो गई, जब जजों के ऊपर तुमने तलवारें टांग दिया तो फिर क्या होना, ठीक है ना, और मारोगे भी और मरवाओगे भी, सारा सब कुछ करोगे, तो हम भी अपने बच्चों के लिए मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। जब आके ये हितैषी बन रहे थे कि हाँ हम दलित बच्ची को ये न्याय दिलाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, एक भी इंसान इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ कोई भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी तो नहीं आए क्योंकि उनको शायद दलित के बच्चों से और दलितों से कुछ खास लगाव नहीं है, वो बस एक यूज़ करने के लिए एक वोटर बैंक है। हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ हम वोट बैंक है, और इनके झंडे वंडे जो भी है धर्म के नाम पर हमको हिंदू मनाते हैं, हम इनकी रैलियों में काम आ सकते हैं बस। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय मैं दिल्ली में हूँ और विकास कांगड़ा जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आपने देखा होगा दिल्ली कैंट में घटना हुई थी, एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और उसके तमाम जो है जितने भी आरोपी थे वो गिरफ्तार हैं इस समय, और उस केस में अभी तक चल क्या रहा है, क्योंकि शायद आप लोगों के जहन में वो तमाम चीज़ें भी नहीं होंगी और शायद आप वो भूल भी गए होंगे कि दिल्ली कैंट में एक बच्ची के साथ जो पूरा वाक्या हुआ था। कांगड़ा जी, 2 साल होने वाले हैं, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे उसको, तो क्या कहेंगे अब उस केस में चल क्या रहा है? देखिए, जैसा कि शुरू फर्स्ट डे से और अब तक मैं इस परिवार के साथ में खड़ा हुआ हूँ, और एडवोकेट महमूद प्राचा सर इस केस को लीड कर रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं। अभी तक इस केस के अंदर जो चल पाया है, जैसा कि हमारे को आपने तो खुद वहाँ पर आके काफ़ी कवर भी किया था, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता भी आए, और काफ़ी लोग बोल के जा रहे थे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जसपाल सिंह जी आए थे, और उन्होंने बोला था, एससी कमीशन भी आया था, एससी कमीशन से भी बोलने लग रहे थे कि 6 महीने के अंदर अंदर इसके अंदर न्याय दिलवाएंगे, ये कराएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पुलिस ऑफिसर्स ये दावा कर रहे थे कि हम जल्द से जल्द इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे, उन्होंने खुद ने कानून को तोड़ा। अभी पिछली बार जो 18 तारीख की जो तारीख थी पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर, तो जज साहब ने ये पटियाला हाउस कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस से ये पूछा गया कि आपने इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या किया और वीडियोग्राफी हुई या नहीं हुई। पुलिस ने सीधा सीधा इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी वीडियोग्राफी नहीं की गई, जो कि उनके ऊपर खुद पर कार्रवाई बनती है और पुलिस मिली हुई नज़र आती है। तो ये सब इसके अंदर हो रहा है। अब 15 अप्रैल को इस केस की दोबारा सुनवाई है, और वहाँ पर जो भी होगा 15 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक ही बात ही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था इस बच्ची के लिए, आंदोलन में जिन लोगों ने इतना सहयोग किया था, आज उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जब बड़ी बड़ी बातें बोलकर पॉलिटिकल लीडर और बहुत बड़े बड़े लोग आके, और पुलिस ऑफिसर्स और एससी कमीशन जब आके हितैषी बन रहे थे कि हाँ हम दलित बच्ची को ये न्याय दिलाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, एक भी इंसान इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ कोई भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अभी जब पूरा 1 साल इस बच्ची को होने को हुआ, तब भी हमने देखा कि कोई भी इस परिवार को न्याय दिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, जो कि हमारे साथ होना भी लाजमी है, क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं और हमारे साथ में यही होता है, हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ हम वोट बैंक है, और इनके झंडे वंडे जो भी है धर्म के नाम पर हमको हिंदू मनाते हैं, हम इनकी रैलियों में काम आ सकते हैं बस। लेकिन हमारी इस बच्ची को न्याय ना दिलाकर, हाथरस कांड अभी तक हमारे दिलो दिमाग से नहीं गया था, इस 9 साल की बच्ची के साथ में जो हुआ ये पूरे देश को पता है। 1 साल पूरा होने पे गुड़गांव से मैंने पैदल यात्रा निकाली थी, और झरेड़ा जब मैं बिल्कुल दिल्ली कैंट पे पहुंच गया, तो मेरे को डीसीपी साहब, एसीपी साहब ने आके अरेस्ट कर लिया और मेरे को ऑफिस में ले गए। हमारे यहाँ पर 200-300 लोगों का पूरा दोबारा इस आंदोलन को जगाने की वो थी, लेकिन सभी लोगों को मारपीट के भगा दिया गया और मुझे अरेस्ट करके उठा लिया गया। अब इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हमारी एक उम्मीद है, एडवोकेट महमूद प्राचा सर अब इस केस को वो देखने लग रहे हैं, और उम्मीद है कि हाँ अब इसमें काफ़ी अधिकारी भी, काफ़ी सरकार के और बहुत से लोगों की मिली भगत नज़र आ रही है। तो क्या लग रहा है, इंसाफ मिलने की उम्मीद है कुछ, क्योंकि हाथरस का तो आप सभी ने देख ही लिया। इंसाफ मिलने की उम्मीद तो हम किससे करें, कोर्ट से करें, और कोर्ट के लिए अभी आपने देखा ही है कि कैसे जजों को धमकाया जा रहा है, उसके लिए हम एक छोटा सा मार्च भी निकाल रहे हैं पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक का, जो कि हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से निकल रहा है, जिसको लीड हमारे एडवोकेट महमूद प्राचा सर कर रहे हैं।
क्योंकि जब कोर्ट जज ही हमारे लिए मतलब जज ही सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा। आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को मारना काटना, ये जब इतने दंगे वैसे ही इनको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो जजों की ये हालत है तो हम तो किस खेत की मूली है। लेकिन हाँ, इस बच्ची के लिए जो हमने 14 दिन तक वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, ये मैं दिल्ली पुलिस के लिए तो स्पेशल एक बात बोल देना चाहता हूँ, हम जिस कास्ट से हम आते हैं और जो हम शेड्यूल कास्ट के लिए जो ये बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, हमने इनको वो करके भी दिखाया था। इसी लिए जो दिल्ली कैंट के अंदर जो हमने 14 दिन का ये धरना प्रदर्शन किया था, तो तमाम सारी सरकारें मजबूर हो गई थी, वहाँ पर सभी ने बड़े बड़े आके वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडे उठाने की कोशिश की। लेकिन अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो ईट से ईट हम बजा देंगे और पूरी दिल्ली को चक्का जाम कर देंगे। कांगड़ा जी, लेकिन कई सारे ट्वीट भी हुए थे उस दौरान, चाहे वो राहुल गांधी हो, बड़े बड़े बीजेपी के भी तमाम नेता आए थे मिलने, लेकिन अब सारे खामोश हैं। देखिए, जो मैंने आप मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ और ये है भी, सच भी है। राहुल गांधी जी आए थे, मेरी खुद उनसे बात हुई थी, उनकी गाड़ी में बैठ के उन्होंने बोला था कि आइए आप, हम बात करते हैं। उन्होंने खुद ने आश्वासन दिया कि मैं एक इंच भी दूर नहीं हटूंगा, इस परिवार के साथ अंत तक खड़ा रहूंगा। कहाँ है राहुल गांधी जी? प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था, केजरीवाल साहब तो खुद आए थे, उन्होंने 10 लाख रुपये का बोला। मतलब कि एक कीमत जब एक बच्चे की लगाई जाती है, उसके साथ में ऐसी दुर्घटना होने के बाद उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ और फिर उसकी एक कीमत लगाई गई 10 लाख रुपए, और फिर उनके जो पार्टी से हमारी समाज से आने वाली जो राखी बिड़लान जी है, वो बहन आके 5,87,000 रुपए का चेक देते हैं। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक छल देखिए आप इनका, है 10 का बोल के 5, ठीक है। आदेश गुप्ता वे आए, बहुत से बड़े बड़े लीडर आए वहाँ पर, ऐसा कौन सा लीडर था जो नहीं आए? हाँ, प्रधानमंत्री जी तो नहीं आए, क्योंकि उनको शायद दलित के बच्चों से और दलितों से कुछ खास लगाव नहीं है, वो बस एक यूज़ करने के लिए एक वोटर बैंक है, हम लोग और कुछ भी नहीं। एससी कमीशन खुद आया था, कहाँ है एससी कमीशन? एससी कमीशन के अंदर मैं खुद गया इस बच्ची के लिए, वहाँ 5वीं मंजिल से चेयरमैन साहब ने खुद ने अपने स्टाफ से मेरे को पिटवा दिया और मेरे को ऊपर से फेंकने की कोशिश की गई। मैंने कंप्लेंट दे रखी है राष्ट्रपति ऑफिस में, दे रखी है राष्ट्रपति जी को दिए और प्रधानमंत्री जी को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बहरहाल, तो 15 को क्या लग रहा है? जो भी 15 अप्रैल को, तो वो तो कोर्ट के अंदर प्राचार्य सर बताएंगे, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो कोर्ट का काम अभी भी लंबी मैं तो एक बात जानता हूँ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ वैसे ही इतना गलत होकर और हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तो ऐसे मरना भी क्या मरना। मैं तो इतना जानता हूँ, अगर कोर्ट से हमारे को न्याय नहीं मिला या शासन प्रशासन ने हमारे साथ फिर दोबारा छल कपट की, तो हम तो दिल्ली के अंदर चक्का जाम कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो ये शपथ लेते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, उसके लिए मरना पड़ा मरेंगे, मारना पड़ा मारेंगे, तो मैं यही बोलता हूँ, हिंदू राष्ट्र आप बनाओ, बन भी गया है, मनुस्मृति लागू भी हो गई, जब जजों के ऊपर तुमने तलवारें टांग दिया तो फिर क्या होना, ठीक है ना? और मारोगे भी और मरवाओगे भी, सारा सब कुछ करोगे, तो हम भी अपने बच्चों के लिए मरने के लिए तैयार हैं और मारने के लिए भी तैयार है। जी, ये विकास कांगड़ा जी थे, लगातार दिल्ली कैंट मामले में अपनी नज़र बनाए हुए हैं, अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस केस में आगे क्या होगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।